जिन भी क्लाइंट्स की टॉप फ्लोर विद रूफ हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल गुड़गांव बिल्डर फ्लोर्स। मैं अभिषेक लोहिया आज आपके लिए लेके आया हूँ 204 गज का बहुत ही बढ़िया फ्लोर 204 के अंदर ड्राइंग डाइनिंग और 3 बेडरूम का बहुत बढ़िया स्पेस निकाला हुआ है। कोई कॉम्पैक्ट लेआउट नहीं है, बहुत बढ़िया लेआउट है। स्कूल्स मार्केट्स बहुत ही पास में है, पार्क बिल्कुल ही 10 मीटर्स की दूरी पर है यहाँ से। और गुड़गांव के अंदर जितने भी क्लाइंट्स आते हैं 80% क्लाइंट्स को टेरेस वाला फ्लोर चाहिए होता है। तो ये स्पेशल वीडियो उन क्लाइंट्स के लिए जिनको कम बजट के अंदर 204 गज के अंदर टॉप फ्लोर की इन्वेंट्री चाहिए। इस फ्लोर के अंदर टेरेस यूनिट बची हुई है, रूफ यहाँ बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, बिल्डर ने रूफ के अंदर टाइल्स का काम किया हुआ है। और व्यू आप देखो, टेरेस का व्यू जिसके लिए सब गुड़गांव के अंदर फ्लोर ढूंढ रहे हैं, टेरेस का व्यू बहुत बढ़िया दिया हुआ है। 24 मीटर रोड बहुत ही पास में है, आप व्यू देखो टेरेस के ऊपर से। आपको पार्टी करनी है टेरेस के ऊपर, आप पार्टी करो एकदम बढ़िया 204 गज के अंदर। छोटे फ्लोर्स में कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स को टॉप फ्लोर नहीं मिलते हैं, तो ये वीडियो स्पेशल उन क्लाइंट्स के लिए जिनको टॉप फ्लोर की रिक्वायरमेंट है। टेरेस हमने देख ली है, अब हम चलते हैं डायरेक्टली इस फ्लोर पर। फ्लोर के अंदर एंट्री करने से पहले बिल्डर ने जो यहाँ पे काम किया हुआ है, ये बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। ये आपकी घर की एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस में आप अपनी नेम प्लेट डाल सकते हैं, उसी के लिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब हम अंदर चलते हैं। शिंडलर के बिल्डर ने लिफ्ट लगाई हुई है, काफी अच्छी लिफ्ट होती है, महंगी लिफ्ट है और 57 के अंदर बहुत ही कम बिल्डर है जो शिंडलर की लिफ्ट लगाते हैं। अब हम फ्लोर के अंदर एंट्री करते हैं। फ्लोर की एंट्री करते ही ये आपका स्ट्रेट ड्राइंग और डाइनिंग का स्पेस। ड्राइंग और डाइनिंग के स्पेस के अंदर आप देखेंगे इन्होंने इस प्राइवेट ड्राइंग के अंदर यहाँ हमें टीवी पैनल दिए हुए हैं, फॉल सीलिंग का बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, पंखे यहाँ पे बढ़िया दिए हुए हैं, लाइट्स का अच्छा काम है। बिल्डर ने लाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया दिया है। जो बिल्डर ने लाइटिंग दी है फ्लोर के अंदर वो बहुत ही प्यारी लग रही है और फ्लोर को अलग ही लुक दे रही है। टाइल्स के और इस लाइट के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है कि फ्लोर पूरा चमक रहा है, बहुत ही बढ़िया है। 204 गज के फ्लोर के अंदर बिल्डर ने जो एक इंग्लिश टच देने का कोशिश की है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ड्राइंग डाइनिंग के स्पेस के बाद अब हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 के अंदर। ये है आपका बेडरूम नंबर 1। बेडरूम में आपकी बेड की बैक सामने जाएगी, यहाँ आपकी टीवी की यूनिट आएगी। उसके बाद बिल्डर ने क्रॉस वेंटिलेशन दिया हुआ है इस बेडरूम से, एक विंडो दी हुई है जो फ्रंट साइड की बालकनी की तरफ जाती है और यहाँ पे आपके वॉकिंग वार्डरोब्स है। ये है आपके वॉकिंग वार्डरोब्स, वुड का काम बिल्डर ने अच्छा किया हुआ है। यहाँ अब हम एंट्री करते हैं आपके बाथरूम के अंदर। ये है आपका बाथरूम, बाथरूम के अंदर इन्होंने रोका के टैप्स और रोका के ही वॉश बेसिन दिए हुए हैं। रोका ब्रांड काफी अच्छा ब्रांड है और रोका के ही इन्होंने WC दी हुई है। उसके बाद प्रॉपर ग्लास पार्टीशन यहाँ पे हमें मिल रहा है, गीजर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, 5-स्टार गीजर्स है। ये हम आ गए हैं वापिस फ्लोर के ड्राइंग और डाइनिंग के स्पेस। अब हम फ्लोर पे मैं सिक्योरिटी के पर्पज से बताऊं तो बिल्डर ने क्या किया है, हिकविजन का यहाँ पे ऑडियो वीडियो डोर फोन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपने फ्लोर में कोई भी एंट्री कर रहा है घर के अंदर तो पता चल जाएगी। फ्लोर का लेआउट समझाना था आपको, एक बेडरूम इस तरफ है, एक बेडरूम उस तरफ है, बीच में आपकी है किचन। अब हम चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। बेडरूम नंबर 2 में हम जाते हैं, ये बिल्डर ने डोर्स के ऊपर अच्छा काम किया हुआ है, ब्रांडेड डोर लॉक्स है, डोर सेट ब्रांड का इन्होंने डोर लॉक लगाया हुआ है। हमारा बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 2 में फॉल सीलिंग का वर्क काफी अच्छा किया हुआ है, वुडवर्क का काम यहाँ पे हो रखा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 4 पंखे इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो स्टोरेज की कमी नहीं है छोटे फ्लोर्स के अंदर। की बेसिकली क्या होता है कि स्टोरेज की कमी होती है, तो बिल्डर ने क्या किया है यहाँ पे ना स्टोरेज काफी दी हुई है, आप देख सकते हैं इतनी ही स्टोरेज इस तरफ भी है, तो काफी स्टोरेज है हमारे पास। अब हम देखते हैं इसके बाथरूम को। इस बेडरूम के बाथरूम के अंदर अगर हम बात करें तो टाइल्स का जो कॉम्बिनेशन दिया है वो काफी अच्छा दिया हुआ है, डिफरेंट स्टाइल के टाइल्स दी हुई है। शॉवर एरिया यहाँ पे अलग दिया हुआ है बिल्कुल, आपके गीजर यहाँ पे लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे बिल्डर ने ऑलरेडी दिया हुआ है। और इसके बाद हम बात करते हैं अगेन यहाँ पे सेम रोका की आपकी ये WC हो गई, रोका के आपकी अगेन टैप्स,
रोका का ही आप ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम पर। बेडरूम नंबर थ्री की मैं बात कर रहा था। इस वाले बेडरूम में बिल्डर ने क्या किया है, वुडन टेक्सचर स्टाइल्स दी हुई है। वुडन टेक्सचर स्टाइल अक्सर क्या होता है कि मास्टर बेडरूम के अंदर दी जाती है, तो बिल्डर ने यहाँ पे ये वाले बेडरूम का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया हो। इस वाले बेडरूम में फॉल सीलिंग वर्क ऑलमोस्ट सेम है, उसके साथ साथ वही चार पल्ले की इसमें भी वार्डरोब्स दी हुई है, काफी अच्छी वार्डरोब्स है। वुडन वर्क इसके अंदर फ्लोर में अच्छा वुडवर्क दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है 204 गज के फ्लोर के अंदर वुडवर्क की कमी होती है, लेकिन बिल्डर ने वुडवर्क को कहीं ना कहीं निकाला हुआ है और हर बेडरूम के अंदर 3 से 4 वार्डरोब देने का प्लान किया है। कोशिश करिए बिल्डर ने 3 से 4 वार्डरोब निकल जाए और बेडरूम का साइज इसको भी अच्छा डिसेंट बनाए। 204 गज के प्रॉपर्टी के साइज के अंदर क्या होता है, 3 बेडरूम और ड्रॉइंग और डाइनिंग का स्पेस निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेआउट बड़ा कॉम्पैक्ट निकलता है, लेकिन बिल्डर ने यहाँ क्या किया है, बहुत ही स्पेशियस लेआउट बनाया। हम इसके थर्ड बेडरूम के वॉशरूम को भी देख लेते हैं। वॉशरूम के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट सेम काम किए हुए है, वही सेम टाइल्स का काम किया है, आपके रोका के ही सारे के सारे टैप्स, डब्ल्यूसी, गीजर्स इन्होंने दिए हुए हैं हर बाथरूम के अंदर, क्योंकि इसे डोर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी मॉस्किटो नेट यहाँ पे बिल्डर ने दिया हुआ है, काफी अलग स्टाइल का मॉस्किटो नेट है, अच्छा लग रहा है। क्रॉस वेंटिलेशन के अंदर तीनों बेडरूम्स को बनाया हुआ है। किचन बिल्डर ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। 204 गज के अंदर क्या होता है, किचन बिल्डर छोटी बना देते हैं, लेकिन इन बिल्डर ने बहुत ही बढ़िया और बड़ी किचन बनाई हुई है। आइए हम चलते हैं इसके किचन के अंदर। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इन्होंने किचन बनाई है, स्पेशियस किचन जिसकी मैं बात करता हूँ। फ्लोर में इन्होंने फ्लोरिंग के साथ मैचिंग करते हुए माइकास को दिया हुआ है, उसी के साथ इसके टॉप को अच्छा बनाया हुआ है, व्हाइट कलर का टॉप है, बहुत बढ़िया लग रहा है। चिमनी यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, हैंडवेयर का चिमनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इस किचन की। आप देखिए कितनी बढ़िया बड़ी स्पेशियस किचन यहाँ पे दी हुई है, फ्रिज का स्पेस बिल्कुल सेपरेट है। किचन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया किचन उन्होंने दी हुई है। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ पे हेटिच की फिटिंग दी हुई है और किचन को ना पूरा बना के दे रहे हैं, सॉफ्ट क्लोजेट है पूरा का पूरा। और यहाँ पे टैप्स इन्होंने किचन के अंदर जो दिए है वो जैक्वार के दिए हुए है, आप देख सकते हैं जैक्वार का टैप दिया हुआ है इन्होंने किचन के अंदर। बाथरूम में रोका की फिटिंग थी और यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन की मैं बात कर रहा था, तो क्रॉस वेंटिलेशन आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे विंडो दी हुई है। किचन के अंदर वेंटिलेशन की कमी होती है, इसलिए बिल्डर ने क्या किया यहाँ पे एक विंडो निकाल दी जिससे किचन पूरी की पूरी क्रॉस वेंटिलेशन में हो गई। अब यहाँ पे मॉस्किटो नेट लगा हुआ है, आपकी किचन के अंदर वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होगी। स्पेस किचन का बहुत बढ़िया दिया है, व्हाइट और ग्रे माइका का इन्होंने बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया हुआ है। किचन का जो कॉम्बिनेशन दिया है बढ़िया है एकदम। फ्लोर आप लोगों ने देख ही लिया है, बहुत ही बढ़िया फ्लोर है। अब हम चलते हैं इसकी पार्किंग की तरफ। 204 की बहुत बढ़िया पार्किंग दी हुई है। छोटे साइज के अंदर पार्किंग का इशू था, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डर ने पार्किंग स्पेस उसी तरह से बनाया है कि आपको पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो आप सभी लोगों ने देखी ली होगी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी ली है, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव जो भी गुड़गांव के अंदर बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं, प्लीज आप लोग हमारी वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें और आप लोग हमारी नई वीडियोस के अपडेट के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस आप देखते